गोरखपुर में नगर आयुक्त के रूप में आईएएस अविनाश सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह की तैनाती गीडा सीईओ संदीप कुमार के स्थान पर की गई है, जिन्हें पिछले दिनों नगर आयुक्त गोरखपुर बनाया गया था। संदीप कुमार कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से नगर आयुक्त के पद पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे। नवागत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने शनिवार शाम को कार्यभार ग्रहण करते ही रविवार को शहर में हो रहे सैनिटाइजेशन की समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन कराने को कहा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता में शहर को कोरोना मुक्त बनाने के साथ ही शहर में जल जमाव की समस्या का निराकरण करना है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, देखिए मैंने कल शाम को ही एज नगर आयुक्त गोरखपुर के पद पर ज्वाइन किया है और कार्यभार ग्रहण करते समय इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है कोरोना के संक्रमण को रोकना है, उसको थामना है और प्रयास करना है कि किसी भी हालत में जो है ये बढ़ने ना पाए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक महाअभियान सैनिटाइजेशन का चला रखा है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मार्केटिंग एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, उन सभी को हम लोग प्रथम उसको मतलब उसको कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पहले उनको सैनिटाइज करने के बाद जो है हम उन जो हर घर को हर मोहल्ले को कवर करेंगे। सबसे बड़ी समस्या की बारिश, देखिए वो भी कल समस्या मेरे सामने लाई गई है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से नाले हैं जिनकी जो ओवरफ्लो करते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे वाटर लॉगिंग एरिया कौन कौन है, उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मानसून आने के पहले पहले हम इनकी पूरी तरह से सफाई कर दें, जिससे कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो।